फर्स्ट ऑफ ऑल चलो कल के जो लास्ट लेक्चर या जो लास्ट लेक्चर था उसका हम लोग एक क्विक रिकैप ले लेते कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में क्या देखा था। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने ये देखा था कि आप जितनी भी बार पेज पर सर्वर पे रिक्वेस्ट सेंड करोगे हर बार जो आपकी क्लास होगी वो रीइनिशियलाइज हो जाएगी। रीइनिशियलाइज होने का मतलब क्या है, सर्वर पुरानी क्लास को डिलीट करेगा, नई क्लास को इनिशिएट करेगा, इनिशिएट करने के बाद जितने भी वेरिएबल्स उनको रीडिक्लेयर करेगा हर बार, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट यू हैव सीन। अब यहाँ फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोगों ने एग्जाम्पल देखा था कि हम लोग यहाँ पे सी डिक्लेयर करें सी इक्वल्स टू जीरो, तो यहाँ पे जितनी भी बार हम लोग क्लास को रीलोड करते थे या जितनी भी बार रिक्वेस्ट करते थे तो क्या होता था कि क्लास रीलोड होती थी और सी की वैल्यू वापस जीरो इनिशलाइज हो जाती थी। सो वी हैव सीन दैट सर्वर डज नॉट मेंटेन्स द स्टेट ऑफ वेरिएबल्स, यानी वेरिएबल्स की वैल्यू सर्वर मेंटेन करता नहीं था। तो अगर ये वैल्यू मेंटेन नहीं करता था तो अगर हम लोग और एक्सप्लिसिटली हमको वैल्यू मेंटेन करवानी थी तो हम लोग क्या यूज़ करते थे, व्यू स्टेट यूज़ करते थे। हम लोग व्यू स्टेट के अंदर जो वैल्यू चाहे वो वैल्यूज दे सकते थे, तो वो हम लोगों को सब्सिक्वेंट यानी नेक्स्ट रिक्वेस्ट में वो वैल्यू हम लोग एक्सेस कर सकते थे। नाउ अभी क्वेश्चन है कि व्यू स्टेट में हम एक से ज़्यादा वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। येस यू कैन स्टोर एज मेनी वैल्यूज एज यू वॉन्ट इन व्यू स्टेट, बट उसका एक डिसएडवांटेज है जो मैं बाद में लास्ट में डिस्कस करूंगा। तो एज यू कैन सी आई आई कैन यूज़ ठीक है, दिस इज डेमो टेक्स्ट बटन पे क्लिक करने के बाद, और अगेन इफ वो नथिंग है तो एक लेबल ले लेते, लेबल में मैसेज प्रिंट करवा देंगे। बटन के अकाउंट पे अल्टीमेटली लेबल में मैसेज प्रिंट होना चाहिए जो आएगा कहाँ से, व्यू स्टेट में से। आई एम नॉट रीनेमिंग, चल रीनेम एल एल मैसेज। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि जब भी आप बटन प्रेस करोगे तब काउंट की वैल्यू तो इंक्रीज होगी, उसके साथ साथ लेबल में वैल्यू भी आ जाएगी। एलबीएल टेक्स्ट इक्वल्स टू व्यू स्टेट ऑफ डेमो डॉट टू स्ट्रिंग। ओके तो फर्स्ट टाइम आपकी यूसेज सेव नहीं है, यानी काउंट की भी वैल्यू नहीं है, डेमो की भी वैल्यू नहीं है। तो फर्स्ट टाइम जब आप रन करोगे तब लेबल में कोई वैल्यू नहीं आएगी, लेकिन जैसे ही आपने कोई बटन प्रेस करोगे तो व्यू स्टेट और काउंट दोनों की वैल्यू सेट हो जाएगी। देन यू विल बी एबल टू एक्सेस दैट वैल्यू। एरर ओके सो यही प्रॉब्लम है, ये लेबल का ही अब नेम चेंज हुआ। एक्चुअली हम लोगों ने यहाँ पे आईडी एक्चुअली चेंज कर दी थी, बट वो चेंजेस कोड बिहाइंड फाइल को रिफ्लेक्ट नहीं हो पा रहे थे, ऑटोमेटिक जैसे हम लोगों ने बिल्ड किया वैसे रिफ्लेक्ट हो गए। नाउ लेट अस सी अगेन। तो देखो इनिशियली कोई वैल्यू नहीं है, अभी वैल्यू आई। अब ले व्यू स्टेट ऑफ, अगर आप देखोगे सेकेंड टाइम, फर्स्ट टाइम जब बटन प्रेस कर रहे था व्यू स्टेट ऑफ डेमो में वैल्यू सेट हो रही है, सेकेंड टाइम प्रेस करोगे तो यू कैन एबल टू नाउ ट्रैक द डेटा, दिस इज डेमो टेक्स्ट। ओके सो द क्वेश्चन दैट कि व्यू स्टेट में आप एक साथ वैल्यू स्टोर कर सकते हो, दैट इज येस, आप जितनी चाहते हैं वैल्यू स्टोर कर सकते हो, बट जितनी वैल्यू स्टोर करोगे उसमें जितना कुछ डिसएडवांटेज होगा जो हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे। नाउ मैं कुछ दिखाना चाहूँगा, जैसे कि दिस इज व्हाट इज सर्वर कंट्रोल एंड व्हाट इज एचटीएमएल कंट्रोल। देखो यहाँ पे आप टेक्स्ट बॉक्स बना रहे हो, ठीक है। अब आप यहाँ पे एक इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट से भी टेक्स्ट बॉक्स बना सकते हो, आईडी को भी दे देता आईडी इक्वल्स टू डेमो, ठीक है। अब इसको रन करते हैं। नाउ यू नो दैट एएसपी, ये क्या हुआ, अच्छा मैं लेबल डिलीट कर दिया ना, डिजाइन में जाके देखते हैं। तो देखो यहाँ पे दो टेक्स्ट बॉक्स है, पहला टेक्स्ट बॉक्स एएसपी कंट्रोल है, पहला टेक्स्ट बॉक्स क्या है एएसपी कंट्रोल,
और ये जो दूसरा टेक्स्ट बॉक्स है ये है HTML कंट्रोल। नाउ ASP और HTML कंट्रोल में क्या है, अल्टीमेटली जो ASP कंट्रोल है दीज आर हैंडल्ड बाय ASP, या आप ऐसा बोल सकते हो कि दीज आर क्लासेज ऑफ ASP, बट जो HTML कंट्रोल है दिस इज प्योर HTML कंट्रोल, यानी XML फॉर्मेट वाले HTML कंट्रोल्स है। अभी हम लोग इन दोनों को टेस्ट करते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ दीज। अभी मैं ASP कंट्रोल में वैल्यू देता हूँ ASP कंट्रोल और इसमें HTML कंट्रोल, ठीक है। नाउ लेट अस सबमिट द फॉर्म, फॉर्म सबमिट करते हैं, यानी बटन प्रेस करेंगे तो फॉर्म सबमिट हो जाएगा। अब आप जब फॉर्म सबमिट कर रहे हो तो यू कैन सी, चलो ये डेटा भी निकाल देते हैं, कोई कोड नहीं रखता, पूरा ब्लैंक कर देता हूँ उसको। बटन पे कोई भी आप अगर आप देखने जाओ तो कोड नहीं है। नाउ नाउ व्हाट हैपेंस कि मैं फॉर्म सबमिट करता हूँ, ठीक है। फॉर्म सबमिट करने का मतलब सर्वर पे रिक्वेस्ट आएगी बटन प्रेस करते से। तो देखो एज यू कैन सी, देखो ASP.NET का जो कंट्रोल है, ASP.NET का कंट्रोल है, उसके अंदर वैल्यू प्रिजर्व रह रही है, यानी इवन पेज अगर आपने सबमिट कर दिया तो भी ASP.NET के कंट्रोल की वैल्यू तो आ रही है, लेकिन जो HTML कंट्रोल है उसकी वैल्यू नहीं आ रही। अब ASP.NET और HTML कंट्रोल में ज़्यादा कुछ फ़र्क है नहीं, सिर्फ इतना फ़र्क है कि HTML कंट्रोल हमारे नॉर्मल HTML के कंट्रोल से जो अभी तक हम लोगों ने देखे, और ASP कंट्रोल अगर आप देखोगे तो ASP कॉलन टेक्स्ट बॉक्स है, इट इज़ अ टेक्स्ट बॉक्स, ये भी टेक्स्ट बॉक्स है, ये भी टेक्स्ट बॉक्स है, बट ये ASP.NET का, देखो यहाँ पे लिखा है ASP कॉलन टेक्स्ट बॉक्स, और ये नॉर्मल आपका HTML कंट्रोल। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि ASP कंट्रोल्स है उनकी वैल्यू प्रिवेलेंट है, यानी एग्जिस्ट करती है सबमिट फॉर्म करने के बाद भी, लेकिन इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट अगर आप देखो तो इसकी वैल्यू प्रिजर्व नहीं होती। इसका एक बहुत सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है, दैट इज व्यू स्टेट। अभी अगर आपने लास्ट लेक्चर को ध्यान से देखा होगा तो मैंने उसके अंदर डिस्कस किया था कि दो टाइप की व्यू स्टेट होती है, इम्प्लिसिट व्यू स्टेट एंड एक्सप्लिसिट व्यू स्टेट। इम्प्लिसिट व्यू स्टेट वो होती है जो हम लोग खुद सेव करते हैं, सॉरी एक्सप्लिसिट व्यू स्टेट वो होती है जो हम लोग खुद यूज़र सेव करते हैं, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे जो वेरिएबल व्यू स्टेट में स्टोर करवाया था, यहाँ पे काउंट नाम का वेरिएबल, दैट वाज एक्सप्लिसिट व्यू स्टेट, यानी यूजर इज मैनेजिंग दोज व्यू स्टेट्स। एंड दूसरी व्यू स्टेट होती है इम्प्लिसिट, जो सर्वर खुद मैनेज करता है। अब एक्चुअली होता क्या है कि जब भी सपोज मैंने यहाँ पे कोई व्यू स्टेट वाला व्यू स्टेट खुद से यूज़ ही नहीं की, आई एम नॉट यूजिंग दिस व्यू स्टेट, तो एक्चुअली होता क्या है कि जब भी आप कोई रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हो यूज़र को, एंड इफ़ इट इज़ नॉट अ फ्रेश रिक्वेस्ट, इफ़ इट इज़ नॉट अ फ्रेश रिक्वेस्ट, और यहाँ पे जो भी आपका डेटा है आपने इनपुट कर दिया आपके टेक्स्ट बॉक्स में फॉर एग्जांपल, तो वो सर्वर पे जाता है। अब जब भी सर्वर क्या करेगा, इसको HTML में कन्वर्ट करेगा, इसको इस पेज को प्रोसेस करके HTML में कन्वर्ट करके यूज़र को रीसेंड कर देगा, बट यूज़र को ये याद, अब सर्वर को ये याद नहीं रहेगा कि भैया लास्ट टाइम इस जो टेक्स बॉक्स में था उसमें कौन सी वैल्यू थी, फॉर एग्जांपल इसमें 2 था 3 था, वैल्यू क्या थी वो सर्वर को याद नहीं रहता। और HTML तो खुद भुलक कर, भैया HTML इज अ स्टेटलेस प्रोटोकॉल, वी हैव डिस्कस्ड इन मल्टीपल टाइम्स कि HTML क्या होता है कि अपने कंट्रोल्स के वैल्यूज़ को भूल जाता है, HTML वैल्यूज़ को, HTML अपने कंट्रोल्स की वैल्यूज़ को याद नहीं रखता, बिकॉज इट इज़ अ स्टेटलेस प्रोटोकॉल। तो अगर HTML भी वैल्यूज़ याद नहीं रख रहा, और अगर आपका ASP का सर्वर भी वैल्यू, यानी आया सर्वर भी वैल्यू याद नहीं रख रहा, तो नेक्स्ट जो रिक्वेस्ट होगी उसमें हो सकता है शायद कुछ प्रॉब्लम हो, यानी यू वोंट बी एबल टू गेट द डेटा, डेटा विल बी लॉस कम्प्लीटली। तो इसलिए सर्वर क्या करता है एक्चुअली कि जब भी आप रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हो, जब भी आप रिक्वेस्ट सेंड करते हो सर्वर को, और अगर आपके कंट्रोल्स के अंदर कोई ना कोई वैल्यू होगी, जब भी आप रिक्वेस्ट सेंड करते हो सर्वर को और अगर आपके जो टेक्स्ट बॉक्सेस या चेक बॉक्सेस में कोई वैल्यू होगी, तो HTML भी क्या करेगा, खुद से एक व्यू स्टेट बना देगा, एक इम्प्लिसिट व्यू क्रिएट कर लेगा। सर्वर क्या करेगा, एक इम्प्लिसिट व्यू स्टेट क्रिएट कर लेगा। अब इस इम्प्लिसिट व्यू स्टेट से फ़ायदा क्या होता है कि भैया ये इम्प्लिसिट व्यू स्टेट तो क्या हो जाएगा, हिडन फील्ड में कन्वर्ट हो जाएगी, ये जो इम्प्लिसिट व्यू स्टेट है ये क्या होगा, एक हिडन फील्ड में कन्वर्ट हो जाएगा और आपके HTML पेज के साथ अटैच होके आपके रिस्पॉन्स में रिटर्न हो जाएगा, यानी आपके HTML पेज के अंदर ही आपका जो डेटा था वो एक पार्ट है, ठीक है। अब एक्चुअली होता क्या है, फिर से एक बार पूरा प्रोसेस समझा दूँ, आपने यहाँ पे कोई भी वैल्यू प्रो इनपुट की थी, फॉर एग्जांपल टेक्स्ट बॉक्स में, अब आपने रिक्वेस्ट सेंड की, यूज़र उस पेज को प्रोसेस करेगा,
और जो भी आपके एक फॉर्म की या फॉर्म कंट्रोल्स की वैल्यू थी, टेक्स्ट बॉक्स, चेक बॉक्स, रेडियो बटन, जिनकी भी जो भी वैल्यूज़ थी, उन वैल्यूज़ को क्या करेगा, व्यू स्टेट में कन्वर्ट करेगा। व्यू स्टेट में कन्वर्ट करने के बाद उसे हिडन फील्ड में प्लेस कर देगा, एक हिडन फील्ड में डाल देगा। और हिडन फील्ड में डालने के बाद आपके पेज में, आपके उसको एज एन HTML पेज में हिडन फील्ड के फॉर्मेट में आपको रिस्पॉन्स में सेंड कर देगा। और जब आप सेकेंड टाइम फिर से रिक्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, मैंने सेकेंड टाइम रिक्वेस्ट की, तो यहाँ पर जो व्यू स्टेट का डेटा था, यहाँ पे जो व्यू स्टेट का डेटा था, सर्वर क्या करेगा, उसको एक्सेस कर लेगा। आपको जो व्यू स्टेट का डेटा था उसको एक्सेस कर लेगा, यानी सर्वर को पता रहेगा कि लास्ट टाइम आपने कंट्रोल में क्या वैल्यू इनपुट की थी। सो दिस इज़ हाउ सर्वर प्रिजर्व द वैल्यू ऑफ ASP कंट्रोल्स। बट याद रखना, ASP कंट्रोल्स की ही वैल्यू प्रिजर्व होती है, या बहुत स्पेसिफिकली, बहुत ज़्यादा स्पेसिफिकली बोले तो ASP की नहीं, सर्वर साइड कंट्रोल की ही वैल्यू प्रिजर्व होती है। अगर आप नॉर्मल कंट्रोल इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट वगैरह बना रहे हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो मैंने इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट बनाया है, सो इट इज़ अ यूजर साइड कंट्रोल, इट इज़ अ यूजर कंट्रोल, या HTML कंट्रोल बोलो, एकदम सिंपल, इट इज़ एन HTML कंट्रोल। और ये जो ASP का कंट्रोल है, दिस इज़ अ सर्वर कंट्रोल। क्यों सर्वर कंट्रोल है, देखो, क्योंकि लिखा है यहाँ पे क्या, रन एट सर्वर, रन एट इक्वल टू सर्वर, रन एट इक्वल टू सर्वर मतलब क्या, इसकी जो प्रोसेसिंग होगी वो सर्वर पे डायरेक्टली होगी, ठीक है। रन एट इक्वल टू सर्वर का मतलब क्या है, इन शॉर्ट, इन सिंपल बता रहा हूँ कि इन ये जो भी कंट्रोल है, इसको आप प्रोसेस कहाँ पे करोगे, सर्वर पे। तो जो भी सर्वर साइड कंट्रोल होते हैं, उन्हीं की व्यू स्टेट स्टोर होती है, लेकिन आपका जो नॉर्मल कंट्रोल होगे HTML कंट्रोल्स की वैल्यू प्रिजर्व डायरेक्टली नहीं होती। तो एक क्वेश्चन है, अगर मुझे HTML कंट्रोल की वैल्यू प्रिजर्व करनी है तो भाई इसे सर्वर साइड कंट्रोल बना दो ना। अगर आपको HTML कंट्रोल्स की वैल्यू को स्टोर करना है, ये तो आप क्या करोगे, आप HTML कंट्रोल्स को सर्वर साइड कंट्रोल्स बना दो। सर्वर साइड कंट्रोल्स बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिर्फ ये रन इट इक्वल टू सर्वर कॉपी पेस्ट कर दो, तो ये इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट क्या हो गया, आपका सर्वर कंट्रोल हो गया। अब इसकी भी जो, इसका भी जो डेटा है, वो सारा प्रोसेस कहाँ पे होगा, सर्वर पे। नाउ लेट अस सी, नाउ दिस इज एन HTML कंट्रोल, इट इज स्टिल एन HTML कंट्रोल, एंड दिस इज स्टिल एन ASP कंट्रोल, बट बोथ आर नाउ सर्वर कंट्रोल्स। अब सर्वर कंट्रोल से देखो, तो मैं कितनी भी बार पेज को सबमिट कर रहा हूँ, डेटा दोनों के प्रिजर्व हो रहे हैं। और जैसे ही मैं यहाँ से रन एट इक्वल टू सर्वर निकाल दूंगा और फिर से रन करूँगा, तो अभी वैल्यू प्रिजर्व नहीं होगी। सो दिस इज हाउ यू प्रिजर्व द डेटा। बट एक चीज़ याद रखना है, जो डेटा प्रिजर्व होता है ये हमेशा किस में होता है, व्यू स्टेट में। और व्यू स्टेट हमेशा कहाँ होती है, आपके खुद के पेजेस पे ही होती है, ठीक है। व्यू स्टेट कहाँ होती है, अल्टीमेटली आपके पेज पे ही होती है। लेकिन अगर आप देखने जाओ तो ये जो व्यू स्टेट है, लेकिन अगर आप जैसे देखने जाओ, जो ये व्यू स्टेट है, ये हमेशा एनकोडेड फॉर्म में होती है। एनकोडेड मतलब नॉन ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट। फॉर एग्जाम्पल, ABC की जगह कुछ दूसरे मार्किंग कर दी, 8F93, उसका अनरीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दो। तो ये जो अनरीडेबल फॉर्मेट है, यूज़र को क्या, यूज़र क्या होगा कि अगर इवन वैल्यू है तो भी उसको चेंज नहीं कर पाएगा, चेंज कर भी देगा तो कुछ गलत वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। नाउ ये वैल्यू सिर्फ और सिर्फ सर्वर रीड कर सकता है, ये वैल्यू क्या है, सिर्फ सर्वर रीड कर सकता है। तो सर्वर नोस कि इसमें क्या लिखा है, बट अगर आप खुद देखोगे तो इसमें कुछ अजीबोगरीब चीज़ें दिख रही है, इट इज़ नॉट रीडेबल। सो दिस इज़ हाउ व्यू स्टेट स्टोर। अब इसको इंक्रिप्ट करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, इसको इंक्रिप्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हो सकता है इसमें कोई वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन आप स्टोर कर रहे हो, तो वो वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन को इंस्पेक्ट एलिमेंट करके डायरेक्ट ना देख ले, इसीलिए हम लोग इसको क्या करते हैं, इंक्रिप्ट करके रखते हैं। सो आई होप कि व्यू स्टेट समझ आया होगा। नाउ विल बी मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज पोस्टबैक। नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट एक्चुअली पोस्टबैक इज। तो देखो, फर्स्ट टाइम क्या हो रहा है कि सपोज ये आपका यहाँ पे सर्वर है और ये आपका क्लाइंट है, आपका क्लाइंट रिक्वेस्ट कर रहा है, यानी यू मे बी रिक्वेस्टिंग फॉर extrabits.com। extrabits.com के लिए आप जब रिक्वेस्ट करो तो रिस्पॉन्स में सपोज extrabits का होम पेज आपका सर्वर एज अ रिस्पॉन्स दे रहा है। सो दिस इज़ अ फ्रेश रिक्वेस्ट। जब आप फर्स्ट टाइम रिक्वेस्ट करते हो, दैट इज़ अ फ्रेश रिक्वेस्ट, फ्रेश स्लैश इनिशियल रिक्वेस्ट। ये कहती है फर्स्ट टाइम आप रिक्वेस्ट कर रहे हो ना सर्वर को किसी रिसोर्स के लिए, सो दैट इज़ अ इनिशियल रिक्वेस्ट। अब इनिशियल रिक्वेस्ट के प्रोसेस में क्या होता है, एक पेज लाइफ साइकिल फॉलो होगी, विच विल बी सीइंग इन डिटेल लेटर सेशंस, डिटेल के एक पेज लाइफ साइकिल क्या होती है। जब भी आप कोई पेज रिक्वेस्ट करते हो तो ASP का सर्वर किस तरह से परफॉर्म करता है, कौन सी एक्टिविटीज़ होती है, कौन से प्रोसेसेस कॉल होते हैं, वो सब हम लोग बाद में देखेंगे। बट एक चीज़ ध्यान रखना कि जब भी आप रिक्वेस्ट करोगे सर्वर को किसी पेज के लिए, तो दैट इज़ फर्स्ट टाइम फ्रेश रिक्वेस्ट। फिर अब देखो, अब बटन प्रेस किया आपने, आपने यहाँ पे क्या किया, बटन प्रेस किया, तो फिर से सर्वर को रिक्वेस्ट जा रही है, सेकेंड टाइम सर्वर को रिक्वेस्ट गई,
बट इस बार जो रिक्वेस्ट गई वो किसी फॉर्म कंट्रोल की वजह से गई, ठीक है। हम लोगों ने क्या किया, बटन प्रेस किया, बटन इज़ अ फॉर्म कंट्रोल। जब भी हम कोई फॉर्म कंट्रोल की वजह से सर्वर पे जाते हैं, जब भी फॉर्म कंट्रोल की वजह से जब आप सर्वर पे जाते हो तो वो हो गया एक पोस्ट बैक इवेंट, ठीक है। वो क्या हो गया, एक पोस्ट बैक, यानी आप फॉर एग्जाम्पल टेक्स्ट बॉक्स हो गया, चेक बॉक्स हो गया, किसी भी कंट्रोल की वजह से जब आपका सर्वर या आपका जो सॉरी आपका पेज का सबमिट हो जाता है और आपके रिक्वेस्ट सर्वर पे सेंड होती है, दैट इवेंट इज नोन एज अ पोस्ट बैक इवेंट, दैट इवेंट इज नोन एज अ पोस्ट बैक इवेंट, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल बटन के क्लिक इवेंट से हो सकता है, चेकबॉक्स से चेक होने से हो सकता है, रेडियो बटन के चेक चेंज से इवेंट से हो सकता है, टेक्स्ट चेंज से हो सकता है, यानी कोई भी फॉर्म कंट्रोल इवेंट एक्चुअली पोस्ट बैक जनरेट कर सकता है, यानी कोई भी सर्वर कंट्रोल या कोई भी कंट्रोल आपके सर्वर को डायरेक्टली रिक्वेस्ट सेंड कर सकता है। तो फॉर एग्जाम्पल लेट अस सी इट प्रैक्टिकली। तो यहाँ पे लेट मी रिमूव द एचटीएमएल कंट्रोल। तो यहाँ पे सिर्फ आपके पास एक टेक्स्ट बॉक्स है, एक बटन है, ठीक है। अभी मैं सिर्फ बटन रखता हूँ, फिलहाल टेक्स्ट बॉक्स भी मैं निकाल देता हूँ, फिलहाल आई डोंट वांट टू कंफ्यूज। नाउ देखो बटन के ऊपर मैंने एक्चुअली कोई इवेंट नहीं लिखी, चलो बटन की इवेंट भी डिलीट ही कर देते हैं, इसको भी डिलीट कर दो, नॉर्मल पेज है। अभी जब आप फर्स्ट टाइम रिक्वेस्ट कर रहे हो, फॉर एग्जांपल यहाँ से जब भी मैं फर्स्ट टाइम रन कर रहा हूँ, दिस इज अ कम्प्लीटली फ्रेश रिक्वेस्ट, आप फर्स्ट टाइम पूरे सेशन में फर्स्ट टाइम सर्वर पे जा रहे हो, ठीक है। लेकिन अभी मैं बटन प्रेस कर रहा हूँ, देखो तो फिर से देखो, अगर ऊपर आप ध्यान से देखोगे तो रिफ्रेश हो रहा है पेज। ये रिफ्रेश होने का मतलब क्या कि फिर से सेकेंड टाइम सर्वर पर आपका पेज जा रहा है, लेकिन इस बार आप डायरेक्टली किसी पेज के लिए या किसी यूआरएल के लिए रिक्वेस्ट नहीं कर रहे, वही सेम यूआरएल है, देखो यही सेम यूआरएल है ना, लोकल होस्ट कॉलन 49883 व्यू स्टेट डेमो डिफॉल्ट डॉट एसपीएक्स, सेम यूआरएल हिट हो रहा है। लेकिन ये जो यूआरएल हिट हो रहा है एक्चुअली अब किस वजह से हो रहा है, इस बटन की वजह से। और ये बटन क्या है, एक्चुअली फॉर्म कंट्रोल। और इस तरह से फॉर्म कंट्रोल में बहुत सारी चीज़ें होती है, चेकबॉक्स हो सकता है, रेडियो बटन हो सकती है, ड्रॉप डाउन हो सकते हैं, बहुत बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, ठीक है। सो दिस इज हाउ या दिस इज व्हाट एक्चुअली पोस्ट बैक इज। सो पोस्ट बैक, अगर आप ये सोचोगे कि यार कोई भी इवेंट पोस्ट बैक है या फ्रेश इवेंट है, तो ये सर्वर को किस तरह से पता चलेगा, सर्वर तो पेज पूरा डिस्पोज कर देता है, सर्वर तो पूरा का पूरा पेज निकाल देता है ना, तो उसको कैसे याद रहता है। तो एक प्रॉपर्टी होती है हर पेज की, इस पोस्ट बैक, ये आपको मैं डिज़ाइन पेज पे पेज लोड इवेंट पे आएगा, ठीक है। ये पोस्ट बैक की जो ये इवेंट है पेज लोड इवेंट, ठीक है। मैंने यहाँ पे पेज पे कहीं पे भी रैंडमली डबल क्लिक कर दिया तो एक पेज लोड इवेंट खुल रही है। तो एक प्रॉपर्टी, हर पेज की एक प्रॉपर्टी होती है इस पोस्ट बैक, ठीक है। इस पोस्ट बैक क्या, हर पेज की एक प्रॉपर्टी होती है, बुलियन प्रॉपर्टी है। इज अ बुलियन प्रॉपर्टी, इस पोस्ट बैक इज अ बुलियन प्रॉपर्टी That is used to check whether the request is a fresh request or is a post back request. ओके, फर्स्ट रिक्वेस्ट यानी डायरेक्टली यूआरएल से कॉल कर रहे हो, आप डायरेक्टली रिक्वेस्ट कर रहे हो किसी पेज के लिए, दैट इज अ फर्स्ट रिक्वेस्ट। और जब भी पोस्ट बैक रिक्वेस्ट हो गया, व्हाट इज अ पोस्ट बैक रिक्वेस्ट, इज अ रिक्वेस्ट That is generated through form controls. Through form controls. अब form controls can be anything, text box, radio button, etc. तो इस postback is a boolean property. यानी if the request is post back request then the is post back property will return
true, else it will return false. ठीक है, अगर जो आपकी रिक्वेस्ट पोस्टबैक है, ठीक है, इफ़ इट इज़ अ पोस्टबैक रिक्वेस्ट, तो आपका इस पोस्टबैक प्रॉपर्टी का रिटर्न करेगा ट्रू, नहीं तो इस पोस्टबैक प्रॉपर्टी का रिटर्न कर देगा फॉल्स. ठीक है, सो थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग लग रहा है, तो लेट अस डायरेक्ट प्रैक्टिकली सी इट हाउ इट वर्क्स. मैं सारे को कमेंट कर दिया, इसमें कमेंट सिंगल कोट है एज लाइक बीबी. सो लेट मी एट दिस मोमेंट रिमूव दिस. अभी देखो पेज लोड इवेंट क्या है, जब भी आपका पेज सर्वर से आएगा तो सबसे पहले आपका ये पेज लोड इवेंट कॉल होता है, यानी ये जो फंक्शन है सबसे पहला फंक्शन कॉल होगा, दैट इज़ पेज लोड फंक्शन. ऑटोमेटिकली कोई भी फंक्शन से पहले पेज लोड फंक्शन, बटन क्लिक हो या कोई भी हो, पेज लोड फंक्शन सबसे पहले कॉल होगा. तो सबसे पहले मैं चेक करता हूँ इफ इज पोस्ट बैक, अगर ये पोस्ट बैक है तो एक लेबल में मैसेज हम लोग राइट करा देते हैं. लेबल के अंदर ही मैसेज प्रिंट करा देते हैं. लेबल वन डॉट टेक्स्ट इक्वल्स टू इट इज अ पोस्ट बैक, इट इज अ पोस्ट बैक इवेंट. एल्स हम लोग क्या कर देते, लेबल वन डॉट टेक्स्ट इक्वल्स टू इट इज अ फ्रेश रिक्वेस्ट. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर इस पोस्ट बैक ट्रू रिटर्न करता है तो मतलब किसी ना किसी टेक्स्ट बॉक्स किसी ना किसी फॉर्म कंट्रोल की वजह से ही ये इवेंट या रिक्वेस्ट जनरेट हुई होगी, और अगर किसी का फॉर्म कंट्रोल की वजह से इवेंट रिक्वेस्ट जनरेट हो रही है तो डेट इज़ योर पोस्ट बैक इवेंट, और पोस्ट बैक इवेंट में इस पोस्ट बैक ट्रू हो जाएगा. तो अगर पोस्ट बैक ट्रू है तो लेबल में क्या प्रिंट होगा, इट इज़ अ पोस्ट बैक इवेंट. अगर पोस्ट बैक फॉल्स है तो इट इज़ अ फ्रेश रिक्वेस्ट. तो अगर पोस्ट बैक फॉल्स है सो इट विल बी प्रिंटिंग इट इज़ अ फ्रेश रिक्वेस्ट. सो नाउ लेट अस सी whether it is working fine or not. So देखो इनिशियली क्या है, फ्रेश रिक्वेस्ट थी, सो क्या पोस्ट बैक की वैल्यू फॉल्स हो गई. फॉल्स हुई तो हम लोग सीधा एल्स वाली कंडीशन प्रिंट हो रही है, एंड इट इज़ अ फ्रेश रिक्वेस्ट. अब हम लोग बटन प्रेस करते हैं. नाउ एज यू कैन सी बटन प्रेस हुआ, फिर से रिक्वेस्ट जनरेट हुई, लेकिन इस बार पोस्ट बैक ट्रू था तो इफ में गया, यानी दैट इज प्रिंटिंग इट इज़ अ पोस्ट बैक इवेंट. सो दैट इज हाउ यू कैन चेक whether the इवेंट इज फ्रेश इवेंट या फ्रेश रिक्वेस्ट या दैट रिक्वेस्ट हैज़ बीन कॉज्ड बाय अ फॉर्म कंट्रोल. अब इसका काम क्या, तो थोड़ी देर बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल में कि ये इस पोस्ट बैक वगैरह क्यों यूज़ करते हैं हम और कहाँ यूज़ कर सकते हैं. इसको डिस्क्राइब करने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन ले लेता हूँ. पहले ड्रॉप डाउन लिस्ट, इट इज़ द सेम ड्रॉप डाउन लिस्ट लाइक अ वीवी, का नाम चेंज कर देते हैं DDL फ्रूट्स. ठीक है, ड्रॉप डाउन फ्रूट्स. अब जब भी पेज लोड होगा आई वांट कि ऑटोमेटिकली इस ड्रॉप डाउन में दो चार फ्रूट्स आ जाने चाहिए. DDL फ्रूट्स डॉट आइटम्स डॉट एड एप्पल मैंगो. ठीक है, देखो ये क्या हो रहा है, जितनी भी बार मैं बटन प्रेस कर रहा हूँ उतनी बार ये सारा डेटा वापस फिलअप हो रहा है. क्यों ऐसा, देखो इनिशियली क्या होता है, फ्रेश रिक्वेस्ट जब आप सेंड करते हो तो एप्पल मैंगो और ऑरेंज ये तीन चीज़ें ड्रॉप डाउन में है ही, लेकिन जैसे ही आप बटन प्रेस कर रहे हो तो क्या हुआ, एक पोस्ट बैक इवेंट जनरेट हुई, यानी फिर से रिक्वेस्ट जनरेट हुई सर्वर पे. तो इस सिचुएशन में क्या हो रही, पुरानी वैल्यू जो थी वो तो सर्वर प्रिजर्व कर रहा है थ्रू व्यू स्टेट, जो भी पुरानी वैल्यू थी सर्वर उसको प्रिजर्व कर रहा है थ्रू व्यू स्टेट. लेकिन अब हो क्या रहा है, एक्चुअली सेकेंड टाइम जब आप रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हो तो फिर से ये पेज लोड इवेंट जनरेट हो रही है, और फिर से एप्पल मैंगो और ऑरेंज ये तीनों तीन ड्रॉप डाउन में ऐड हो रहा है. ठीक है, यानी कि आप मैं सेकेंड टाइम प्रेस कर रहा हूँ तो अब क्या हुआ, एप्पल मैंगो ऑरेंज आ गया, पेज लोड आया,
पेज लोड इवेंट कॉल हुई और फिर से एप्पल मैंगो ऑरेंज आ गया। अब जब आप थर्ड टाइम बटन प्रेस करो तो फिर से सर्वर पर रिक्वेस्ट जनरेटी जो पुरानी वाली थी एप्पल मैंगो ऑरेंज वो तो रिटेन सर्वर करेगा थ्रू वी स्टेट अगेन, और उसके साथ साथ फिर से पेज लोड कॉल होगा और पेज लोड फिर से कॉल हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि अगेन एप्पल मैंगो और ऑरेंज तीनों तीन चीज़ें वापस अपेंड हो जाएगी आपके ड्रॉप डाउन में। देखो तो इस बार तीन बार एप्पल मैंगो ऑरेंज आ रहे थे, चार बार तो चार बार एप्पल मैंगो ऑरेंज, एप्पल मैंगो ऑरेंज, एप्पल मैंगो ऑरेंज, एप्पल मैंगो ऑरेंज। ओके सो दिस इज अ प्रॉब्लम। ऐसा थोड़ी होना चाहिए जितनी बार आप कोई भी फॉर एग्जांपल मैं चार बार बटन प्रेस करूंगा, सौ बार बटन प्रेस करूंगा तो सौ बार थोड़ी अपेंड हो जाना चाहिए। तो इस सिचुएशन में आप यूज़ कर सकते हो इस पॉशबैक प्रॉपर्टी को। तो कैसे यूज़ करोगे? तो भैया हमको ड्रॉप डाउन में डेटा फिलअप करना है लेकिन सिर्फ एक ही बार करना है। हमको क्या हुआ, ड्रॉप डाउन में डेटा फिलअप करना है लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक बार फिलअप करना है। वो एक बार कब आना चाहिए? जब फर्स्ट टाइम आपका पेज लोड होगा सिर्फ तभी, ठीक है। पोस्ट बैक जितनी भी बार जनरेट हो तो बार बार पोस्ट बैक में आपका डेटा ऐड होगा। तो व्हाट वी वांट कि हर पोस्ट बैक में डेटा ऐड ना हो, व्हाट वी वांट इज कि हर पोस्ट बैक इवेंट में डेटा पोस्ट ना हो, सिर्फ एक बार फ्रेश रिक्वेस्ट के लिए डेटा ऐड होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे क्या चेक करते हैं, इफ नॉट पोस्ट बैक इज पोस्ट बैक, अगर पोस्ट बैक नहीं है तो ही ये डेटा ऐड होगा, अगर पोस्ट बैक नहीं है तो ही ये डेटा ऐड होगा, अगर पोस्ट बैक नहीं है तो ही ये डेटा ऐड होगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इस नॉट पोस्ट बैक? नॉट पोस्ट बैक मतलब ये कब पोस्ट बैक कब ट्रू होगा, जब आप बटन प्रेस करोगे तब पोस्ट बैक ट्रू होगा। और यहाँ पे ट्रू क्या गया, हम लोगों ने लगा दिया क्या, नॉट। तो जब भी आप बटन प्रेस करोगे तो ये इफ कंडीशन एग्जीक्यूट होगी नहीं, बिकॉज इट विल बी रिटर्निंग ट्रू एंड इट विल बी नेगेटिंग इट। तो एक्चुअली ये क्या हो जाएगा, फॉल्स अल्टीमेटली। सो दिस इज हाउ यू कैन प्रिवेंट एडिंग ऑफ डेटा इन टू अ ड्रॉप डाउन लिस्ट इन पोस्ट बैक इवेंट्स। अभी देखो एक ही बार है, मैं तीन चार बटन प्रेस करूंगा तो भी क्या हुआ, एप्पल मैंगो ऑरेंज एक ही बार है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने चेक करवा लिया पेज लोड के अंदर कि पोस्ट बैक इवेंट होगी तो ये कोड एग्जीक्यूट होगा नहीं। सो दिस इज हाउ यू कैन यूज पोस्ट बैक प्रॉपर्टी। दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।